तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर यानी कि पार्ट 3 के धातु और अधातु के पूरे अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक है फ्रेंड्स, उसी के हम पूरे अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। हम आपको दिखाते हैं, मैं आपको पूरे लिख करके एक एक उत्तर को लिख कर आया हूँ। इसके पहले मैं एक पार्ट से पढ़ा रहा हूँ आपको। उसमें आपको पहले हेडिंग बाय हेडिंग बताता था, उसके बाद उसका अभ्यास प्रश्नोत्तर कराता था। उसी प्रकार मैं आगे भी कर रहा हूँ, तो उसी प्रकार मैं केमिस्ट्री का भी करूँगा। तो हम उस तक हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास में पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है। तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने पूरा लिख लिया है। और उसमें से आपको पहला ऑप्शन इसका है, NaCl बिलियन एवं कॉपर धातु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसमें फ्रेंड विस्थापन में एक कम क्रियाशील तत्व होता है और दूसरा उच्च क्रियाशील तत्व होता है, यानी कि अधिक क्रियाशील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए NaCl, तो Na जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि कॉपर धातु कम क्रियाशील तत्व है। तो ये कॉपर धातु इसको Na को विस्थापित नहीं कर सकती है, इसलिए ये विस्थापन क्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि इसको मतलब उसमें हटा जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को हटाना होता है। तो ये खुद पहले में यहाँ पे फ्रेंड से अधिक क्रियाशील तत्व दे दिया है, तो ये कॉपर उसको हटा ही नहीं पाएगा। तो ये बात है। और हम लोग तो एक गलत ऑप्शन, और MgCl2 बिलियन एवं एल्युमिनियम धातु है। तो यहाँ पे भी Mg जो है वह कम क्रियाशील या नहीं अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि एल्युमिनियम कम क्रियाशील तत्व है, तो यहाँ पे इसको हटा नहीं सकता है। इसी प्रकार ये भी है। और यहाँ पे देख लीजिए AgNO3 बिलियन एवं कॉपर धातु चौथा वाला। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे सक्रियता श्रेणी, जो सोना और चांदी ये सब सबसे नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में, और जबकि कॉपर थोड़ा उसे ऊपर आता है, मतलब ज़्यादा नहीं, बस तीन चार क्रम ऊपर आता है, पहले आता है कॉपर। तो ये कॉपर अधिक क्रियाशील तत्व है, इसे Ag को हटा सकता है ये। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो फिर हम लोग आगे दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ग्रीज लगाकर आप समझेंगे, जब लोहे की फ्राइंग पैन ये तलने वाला, जो जैसे वो लोग कुछ तलते हैं ना, मान लीजिए अंडा तलना है, तो उसमें आप लोहे की फ्राइंग पैन में उसको तलेंगे, तो आपको जैसे कुछ मान लीजिए कुछ भी तलना है, तो वो लोहे की उसमें जंग लग गया है, और उसको जब तलेंगे तो उसमें जंग लगने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए फ्रेंड्स ग्रीज लगाएंगे, वो जैसे ग्रीज जो समय साइकिल में लगाई जाती है, ग्रीज चैन में वही वाला। और पेंट लगाएंगे तो आपको जो पेंट रहेगा, जब उस पर उष्मा लगेगी आँच, तो वो पेंट जो मर छोड़ने लगेगा, और हमारा जो अंडा है उस पर लग जाएगा, और हम बीमार पड़ सकते हैं खा करके। तो हम लोग वो नहीं, ये दोनों गलत हैं। और फ्रेंड्स ऊपर जो सभी दिए हैं, यानी कि तीनों ही जिंक की परत चढ़ा करके, तो ये भी सही है, गलत। ये सब पूरा मतलब तीनों ऑप्शन नहीं सही रहेगा। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि इस पर फ्रेंड जैसे एक एल्युमिनियम का आता है, उस पर भी मतलब बहुत बर्तन आते हैं जिसपे ये जिंक की परत चढ़ा करके इस पर उसको खाने के बर्तन में बना परिवर्तित कर दिया जाता है ऊपर से। वो जिंक की जो परत होती है इतनी ज़्यादा, उसका गलना कितना ज़्यादा उच्च होता है कि वह जल्दी गलती नहीं है। तो यही थे फ्रेंड्स, आपको फटाफट अब बता रहा हूँ मैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, या जल में, या यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व तो क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह क्या हो सकता है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है और गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है उच्च गलनांक, तो यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व तो क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आप जब कार्बन अरे कैल्शियम से करवाएंगे क्रिया से, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक जैसे भूजा चूना होता है ना, वैसी तरह, तो यह उच्च, और जब इससे आप जल में डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो उसमें से आपको जैसे धुएं टाइप की थोड़ा मतलब उष्मा उससे निकलेगी फ्रेंड्स, उष्मा निकलेगी, क्योंकि बहुत जो ये चूना होता है सफ़ेद चूना जो पुट्टी उट्टी लोग करवाते हैं, वही है कैल्शियम ऑक्साइड। और देख लीजिए फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्यों होता है, जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं,
फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, और इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन है, जिंक की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या लगता है, कौन सा सही है? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, और टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है उसको मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ लास्ट में वीडियो को, और ये वाला, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका छठवां का जो क्वेश्चन था, इसमें आपको पूछा था कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो जब वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार, जो मतलब अम्ल और क्षार को मिलाना होगा, उसके बाद जो लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप, Al2O3+6HCl, यानी कि ये अम्ल है और ये क्षार है, तो इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो यह Al2Al2LCl3+3H2O बन जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स से ये Cl निकल जाएगा और इसके साथ क्रिया करेगा, और फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है जल के साथ कर लेगा तो जल बन जाएगा और इसको एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम Al2O3+2NaOH, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, कोई दूसरा क्षार है और ये धातु फ्रेंड्स, तो इससे जो हम लोग क्रिया करवाएंगे, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके, मतलब जैसे ये देखिए कोई धातु है, ऑक्साइड है फ्रेंड्स, ये ऑक्साइड है, इसको हम लोग चाहे अम्ल से करवा लें चाहे क्षार से करवा लें, दोनों में से कोई भी, तो ये सोडियम एल्युमिनेट बन जाएगा और ये जल बन जाएगा। तो हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन का फ्रेंड्स है जिंक मैग्नीशियम कॉपर तथा सोना। तो फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन अलग था, उसको आप अपनी किताब से देखिए, अपनी किताब को बगल में रख लीजिए, और इसको जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप लिखते जाइए वीडियो को रोक रख कर, और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लगे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी में वीडियो को डाला हूँ, आपकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी तो इसलिए वीडियो आपको अच्छी दिख नहीं रही होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर जिंक टिन निकेल सिल्वर गोल्ड और गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स उसको अलग करने के लिए विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, यानी कि जो शुद्ध धातु की होती पतली परत को हम लोग कैथोड बनाते हैं और अशुद्ध धातु को एनोड पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर मैं लिखा हूँ, आप अपने क्वेश्चन को मिलाते जाइए, क्वेश्चन पहले आपको देख लीजिए उसमें क्या है, उसके बाद इसका आंसर देखिए, और आंसर मैं सटीक दिखा हूँ, कोई गलत नहीं है इसमें। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग दसवां क्वेश्चन को, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो उपाय हैं जो निम्न है, पेंट लगाकर ग्रीस लगाकर। इसमें क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि लोहे को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए दो उपाय लिखिए, तो यहाँ पे दो उपाय हो गए, पेंट लगाकर ग्रीस लगाकर, और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये ग्यारहवां क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है। और बारहवां क्वेश्चन है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अधिक चमक की अधिकता होती है तथा ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और जल्दी संचारित नहीं होते हैं। संचारित होने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो जल्दी जंग नहीं लगते हैं, सोने पर जल्दी जंग नहीं लगता है, बहुत समय बाद वह थोड़ा थोड़ा जंग भी लगता है, तो उसे जैसे हरा लगने लगता है, जैसे मतलब कुछ पे हरापन आ जाता है, तो समझ लीजिए जंग लग गया। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम इसी का फ्रेंड्स बारहवां का बी, ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए बी वाला इसका है फ्रेंड्स, बी वाला है कि सोडियम, इसका आंसर है फ्रेंड्स, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर इसलिए संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है, कारण बताइए, कारण यहाँ पर बता दिया मैंने, क्योंकि ये धातुएँ ऑक्सीजन के साथ
तेजी से अपक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, अपक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं फ्रेंड्स, तो यही कारण थे। और यहाँ पे देख लीजिए तीसरा है, एल्युमिनियम अत्यंत अपक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन में इसलिए करते हैं क्योंकि ये धातु में ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह आसानी से संचालित नहीं होती है फ्रेंड्स, इस पर जो आसानी से जंग नहीं लगता है, और इस पर यदि जंग लग भी गया तो जैसे मतलब हरा हरा हो जाता है तो उस पर आप नींबू लीजिए, नींबू उस पर रगड़ दीजिए, नींबू लगा कर मतलब साफ कीजिए और तुरंत उसका जो जंग होता है सब छूट जाएगा। बहुत ही बड़ा एक कारगर उपाय है, आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग कीजिए अपने घर में, अपने घर में अगर कोई भी बर्तन उस पर नींबू रगड़ दीजिए उसके बाद धो दीजिए सब साफ। यहाँ पर देख लीजिए आसानी से संचारित नहीं होती है। और निष्कर्षण चौथा फ्रेंड्स, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयस को ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तित करते हैं क्योंकि इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने में सुविधा होती है। तो फिर हम लोग मतलब आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका। 13वां नंबर का है इसका आंसर फ्रेंड्स है, यहाँ पे हम तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, वही जो मैंने आपको बता रहा था, इसलिए करते हैं क्योंकि तांबे से नींबू एवं इमली के अम्ल से तुरंत अपक्रिया करके बर्तन को चमका देता है। तो फ्रेंड्स एकदम आपको नया बर्तन लगेगा, आप इस तरह आप तांबे का बर्तन कोई भी है उस पर आप नींबू लगा के रगड़ दीजिए और धो दीजिए और एकदम आपका बर्तन चमकने लगा नया जैसे हो जाएगा। तो ये कारगर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो थोड़ा सा आप करके देख सकते हैं। पहले 14वां है, 14वां का पहला फर्स्ट इसमें है, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और इसका दूसरा ऑप्शन है, दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ, धातुएं सक्रिय होती हैं जबकि अधातुएं अक्रिय होती हैं फ्रेंड्स। अधातुएं अक्रिय जैसे वहाँ पर 18वें तत्व में नहीं था, धातुएं अक्रिय होती थी जैसे कि मान लीजिए आर्गन है और क्लोरीन है, ये सब अक्रिय हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 15वां है, उनसे सोने को एक्वा जेरिया बिलियन डुबाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15वां क्वेश्चन था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बता रहा था कि एक आदमी आया था और दो औरतें मतलब अपने घर में थी, अकेले थी, और उनसे बोला कि ये वाला सुनेंगे कहानी, तो वो अपने वो जो आदमी थे वो बोले कि अपने मतलब जितने भी सोने हैं उसको आप चमकाना चाहती हैं इस तरह ने, मतलब दो दिन से वो लिए थे उसको आप दिखा के कि इस तरह करवाना चाहती हैं तो हमारे पास लेके आइए, अभी हम आपको सही कर दे रहे हैं। उन लोग क्या किए, उन लोगों से मंगवा लिए, मंगवाने के बाद एक्वा जेरिया अम्ल होता है उसमें फ्रेंड्स, इसमें SCl और NO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके, देखिए यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें इनका तीन अनुपात एक का अनुपात मिला करके एक बिलियन बनाया जाता है। बिलियन में आप उसमें यदि सोने चांदी को आप डाल देते हैं, सोना चांदी का मतलब जो एकदम ऊपर वाला कचरा होता है सब साफ हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो सोने चांदी का पदार्थ होता है वो हल्का हो जाता है। बिलियन में उसका जो ऊपर वाला परत ज़्यादा कट के उस बिलियन में डूब जाती है, तो उससे फिर बाद में वो लोग बिलियन से एक प्रकार का उसको फिर बाद में कुछ विधि द्वारा उसको अलग कर लेते हैं सोने को निकाल के, सोने या चांदी को, तो उन्हीं का फायदा हो रहा था और इन महिलाओं का घाटा। तो यहाँ पे देख लीजिए उसी का मैं उत्तर लिखा हूँ, उसने सोने को एक्वा जेरिया बिलियन डुबाया था जो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, एक्वा जेरिया भभकता है। तो फिर इसका हम आगे आंसर बता दे रहा हूँ आपको, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है जो सोने को गला सकता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना गला सकता है, तो उन लोगों का जो दो आदमी आए थे उनके घर पे उनका बहुत फायदा हुआ, इसी तरह गाँव में बहुत करते गए और किसी को पता नहीं चलता था। तो इस समय लेकिन आप सचेत रहिएगा कि मतलब आप ये मत कहिए कि कोई आ गया तो सोना चांदी आप उसको पहले दे दें कि फटाफट एकदम हमारा सही कर दे, तो उससे आपका ही नुकसान होगा, उन लोगों का फायदा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए 16वां है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस बात का मतलब लोहे का, क्योंकि तांबा धातु की प्रकृति श्रेणी में
तांबा हाइड्रोजन के नीचे है। फिर से जो जल होता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वह सक्रियता श्रेणी में नीचे है, तो वहाँ से हाइड्रोजन को निगलेक्ट करके वह तांबा खुद अपने हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन का स्थान लेने लगेगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, गर्म जल को हम लोग तांबे के बर्तन में डालते हैं, इस बार लोहे के बर्तन में नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, नौवा है सूखे लिटमस पत्र को, इसका क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ आपको, सूखे लिटमस पत्र। और इसका दूसरा है पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और तीसरा इसका फ्रेंड्स आर्द्र लिटमस पत्र को लाल कर देगा, आर्द्र लिटमस पेपर को लाल कर देगा। सूखी लिटमस पर फ्रेंड्स सॉरी, ये देखिए मैं आपको थोड़ा इसमें मतलब ये क्वेश्चन बहुत टफ था, तो यहाँ पे देख लीजिए ये पहला है नौवा का, नौ ए का, इसमें देखिए पहला है इसका सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं है। फ्रेंड्स यदि आप जैसे सूखा लिटमस पेपर है उस पर आप डालेंगे तो कोई जैसे अम्ल या क्षार है कोई भी कुछ उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो है आर्द्र लिटमस पत्र को लाल कर देगा, यानी कि जो अम्ल होता है वह अनिल, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में आप वीडियो देखी होगी उसमें बताया था मैंने कि अनिल छलनी एक सूत्र बताया था, तो आ से अम्ल और नी से नीला, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पे आर्द्र यहाँ से अम्ल ही था, कुछ में देख लीजिए आप अम्ल है इसलिए यहाँ पर लाल कर देगा। और यहाँ पर देख लीजिए इसका बी वाला है फ्रेंड्स SO2 plus O2 यहाँ मिल के इसका बन जाएगा SO2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नौवा वाला था इसके पहले मैं आपको नहीं बता पा रहा था, यहाँ पे मतलब भूल गया था, तो यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ नौवा। यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे फ्रेंड, 16 क्वेश्चन की मैं आंसर दे चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए।